हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। फिर से मैं एक वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार ऑर्डर के बारे में जो जानकारी है वो आप सभी को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है, रेगुलरली इस चैनल के माध्यम से आपको जो नर्सिंग की जितनी भी वैकेंसी हैं, इनकी नर्सिंग से रिलेटेड आपको जितनी भी वैकेंसी हैं सभी की अपडेट यहाँ पर टाइम से मिलती आ रही है। टाइम से आपको कम्प्लीटली अपडेट मैं आपको यहाँ पर देते आ रहा हूँ नर्सिंग से रिलेटेड। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर रेगुलरली शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। आज हम जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं BHU की तरफ से आपको यहाँ पर से फिर से नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है वो आई है, पर वैकेंसी परमानेंट होने वाली है, ठीक है। BHU की तरफ से आपको यहाँ पर जो वैकेंसी है वो देखने को मिलेगी। तो वैकेंसीज के बारे में कम्प्लीटली जानकारी मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ कि आपको कब से अप्लाई करना है, किस प्रकार से अप्लाई करना है, एप्लीकेशन फ़ीस आपकी क्या रहने वाली है, कितनी आपकी पोस्ट रहने वाली है, सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर इस वीडियो को रेगुलरली शेयर कर दें। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपको देखने को मिलेगा इसमें काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको यहाँ पर जो वैकेंसी है वो देखने को मिलेगी, जिसका जो एडवर्टाइजमेंट है वो जारी कर दिया गया है, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पर देख लीजिए, आपको टेलीफोन नंबर दिए गए हैं, अगर किसी को कुछ इंक्वायरी चाहिए तो ईमेल और टेलीफोन नंबर दोनों दिए गए हैं। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट आपकी रहने वाली है www.bhu.ac.in क्या है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी ऑफिशियल वेबसाइट से जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके अप्लाई होंगे, ठीक है। तो इस वेबसाइट को आप ज़रूर ध्यान रखें क्योंकि इस वेबसाइट से आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके अप्लाई होने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में, यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी जो इंपॉर्टेंट डेट है वो क्या रहने वाली है। तो आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म की जो स्टार्टिंग होने वाली है, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म की आपकी स्टार्टिंग होगी वो हो चुकी है, यानी कि आपकी 24 जो दिसंबर है उससे एप्लीकेशन फॉर्म की जो स्टार्टिंग है वो हो जाएगी, ठीक है। उसकी जो और उसकी जो लास्ट डेट आपकी रहने वाली है वो रहेगी लास्ट डेट ऑफ द ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 22 जनवरी। पूरा एक मंथ को आपको यहाँ पर टाइम दिया गया है, पूरा एक मंथ का आपके पास टाइम है कि आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 22 जनवरी इस वैकेंसी की लास्ट डेट होगी और 22 जनवरी तक आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में देख लीजिए, यहाँ पर फीस के बारे में चर्चा कर लेते हैं क्योंकि फीस साथ के साथ आपको यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए कि आप नॉन रिफंडेबल आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपकी यहाँ पर रहने वाली है, और नॉन रिफंडेबल में जो फीस आपकी कितनी रहेगी, 1000 रुपये आपकी फ़ीस रहेगी किसके लिए, जनरल कैटेगरी के लिए, EWS कैटेगरी के लिए, OBC कैटेगरी के लिए, ठीक है। यानी कि OBC, EWS और जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए आपको यहाँ पर 1000 रुपये जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपको पे करनी पड़ेगी। उसके बाद में 500 रुपये आपको यहाँ पर देख लीजिएगा जो नॉन टीचिंग पोस्ट है उनके लिए आपको 500 रुपये जनरल कैटेगरी EWS कैटेगरी के लिए आपको यहाँ पर पे करनी पड़ेगी। ग्रुप ए पोस्ट के लिए यहाँ पर और ग्रुप जो बी पोस्ट है उसके लिए 500 और ग्रुप ए पोस्ट के लिए यहाँ पर आपको 1000 रुपये पे करना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको जो एप्लीकेशन फ़ी में और एप्लीकेशन फ़ीस आपको किस प्रकार से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या UPI किसी भी माध्यम से जो एप्लीकेशन फ़ीस को आप पे कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन से इन्वाइटेड यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपके ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो ही मान्य होंगे। अगर किसी कैंडिडेट ने ऑफलाइन या फिर अगर नॉन कम्प्लीटेड अगर एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई किया तो वो एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर मान्य नहीं होगा, यानी कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए वो कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, अच्छे से फिलअप किया हुआ होना चाहिए, ठीक। उसके बाद में देख लीजिए, यहाँ पर आपको ग्रुप दिया गया है, कोड दिया गया है, पोस्ट का कोड क्या रहने वाला है, पे लेवल आपकी सैलरी क्या रहेगी वो दिया गया है, ग्रुप ए पोस्ट कोड लेवल सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अवेलेबल कराई गई हैं, उसी हिसाब से यहाँ पर जो सैलरी है वो आपकी बताई गई है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके स्टाफ्स की जो सैलरी आपकी रहने वाली है वो रहेगी, यहाँ पर देख लीजिए 44,900 रुपये बेसिक रहने वाला है। तो सैलरी आपकी स्टार्टिंग आपकी 75,000 रुपये चली जाएगी और लास्ट 1,42,000 रुपये तक आपकी यहाँ पर जो सैलरी है वो रह सकती है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हम चर्चा कर लेते हैं, यहाँ पर देख लीजिए आपको नेम ऑफ द पोस्ट आपको दिया गया है, यहाँ पर पोस्ट की संख्या आपको दी गई है, कौन कौन सी कैटेगरी के अंदर जो पोस्ट है वो दी गई है, यहाँ पोस्ट के कोड आपको अवेलेबल कराए गए हैं। तो काफ़ी सारी यहाँ पर पोस्ट हैं आपको दी गई हैं, देख लीजिएगा, एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग की पोस्ट है, सिस्टम इंजीनियरिंग की पोस्ट है, जूनियर मेंटेनेंस इंजीनियरिंग की पोस्ट है, डिप्टी लाइब्रेरियन, असिस्टेंट लाइब्रेरियन। तो अब बात करते हैं नर्सिंग फील्ड से रिलेटेड कि नर्सिंग फील्ड से कौन कौन सी पोस्ट आपको दी गई हैं। चीफ नर्सिंग ऑफिसर की आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है, जो एक पोस्ट आपको अवेलेबल कराई गई है चीफ नर्सिंग ऑफिसर के लिए। उसके बाद में नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की आपको 2 पोस्ट दी गई हैं। उसके बाद में मेडिकल ऑफिसर की देख लीजिए, यहाँ पर काफ़ी सारी पोस्ट आपको अवेलेबल कराई गई, लेकिन जो सबसे बड़ी मात्रा में यहाँ पर जो पोस्ट आपको दी गई है नर्सिंग ऑफिसर की, ठीक है।
ये देख लीजिए, नर्सिंग ऑफिसर की मेल की पोस्ट दी गई है, ये नर्सिंग ऑफिसर फीमेल की पोस्ट दी गई है। तो आपकी इस वैकेंसी के अंदर जो सबसे बड़ी संख्या में जो आपकी पोस्ट दी गई है वो दी गई है सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग ऑफिसर की, ठीक है। इनकी नर्सिंग ऑफिसर की बड़ी मात्रा में यहाँ पर पोस्ट है वो आपको अवेलेबल कराई गई है। आगे इसकी चर्चा करते हैं, कंप्लीट डिटेल में जानकारी देता हूँ, डायरेक्टली चलता हूँ नर्सिंग की पोस्ट के बारे में, ठीक है, और वहीं पर यहाँ बात करते हैं। तो चीफ नर्सिंग ऑफिसर के लिए एमएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनके पास 5 ईयर का टीचिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव नर्सिंग कॉलेज और 5 ईयर का क्लिनिकल मैनेजमेंट एक्सपीरियंस है, वो भी 500 बेडेड हॉस्पिटल का। तो वो कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, जो चीफ नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी है इसको अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी एज लिमिट आपकी यहाँ पर 50 साल रहने वाली है, इनके 50 साल तक भर सकते हैं। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का भी सेम वही क्राइटेरिया है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए 3 ईयर, यानी यहाँ पर सिर्फ और 3 साल का आपको क्लिनिकल एक्सपीरियंस मांगा गया है, और मिनिमम 15 साल को आपको नर्सिंग कॉलेज का एक्सपीरियंस मांगा गया है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए, ठीक है। मेडिकल ऑफिसर के लिए आपके पास MBBS डिग्री होना ज़रूरी है, तो MBBS कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब जो बात करते हैं सबसे मेन और सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट जो बात करेंगे वो करेंगे नर्सिंग ऑफिसर्स के बारे में, ठीक है, कि नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी आप किस प्रकार से कौन कौन कैंडिडेट इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, नर्सिंग ऑफिसर की जो आपको सैलरी यहाँ पर देखने को मिलेगी वो मिलेगी लेवल 7 के हिसाब से, ठीक है। लेवल 7 के हिसाब से यहाँ पर जो सैलरी है वो आपको देखने को मिलेगी, जिसके अंदर 44,900 रुपये आपका बेसिक रहेगा, प्लस इसके अंदर TA/DA अनाउंस काफ़ी सारी जो चीज़ें जुड़ती हैं, और लास्ट की सैलरी 1,42,000 रुपये तक आपकी यहाँ पर सैलरी है वो रह सकती है, ठीक है। उसके बाद में देख लीजिए यहाँ पर कैंडिडेट कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं, पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं, आपके पास RN RN RM नंबर होना चाहिए तो वो कैंडिडेट इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं, 1 ईयर आपके पास 50-bedded हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस होना चाहिए तो जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। बात करें GNM वाले कैंडिडेटों के लिए भी यहाँ पर ऑफर दिया गया है, तो देख लीजिए GNM कैंडिडेट भी इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं, आपके पास RN RM नंबर होने चाहिए, दूसरी चीज़ आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस इन द 50-bedded हॉस्पिटल, यानी कि 50-bedded हॉस्पिटल का आपके पास 2 ईयर का मिनिमम आपके पास यहाँ पर एक्सपीरियंस होना जरूरी है। उसके बाद हम देख लीजिए एज लिमिट के बारे में यहाँ पर डिस्कस करते हैं, तो एज लिमिट यहाँ पर 30 साल रहने वाली है नर्सिंग ऑफिसर के लिए, इनके 30 साल तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिए जनरल इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट, यानी कि कैंडिडेट के लिए आपको यहाँ पर जो जनरल इंस्ट्रक्शन जिसमें क्या दिया गया है, ऑनलाइन मोड ऑफ द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म आप सिर्फ ऑनलाइन मोड ही यहाँ पर भर सकते हैं, जिसमें आपको ईमेल यहाँ पर दी गई है कि इन केस ऑफ द एनी अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती है तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने में तो आप सेंड करें recruitment.bhu.ac.in, इसकी ऑफिशियल मेल है, इस मेल पर आप सेंड करें कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो वहाँ से क्या होगा आपको यहाँ पर जो सॉल्यूशंस है वो दे दिया जाएगा, ठीक है। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है प्लीज़ नोट दैट नो चेंज कैन बी मेड आफ्टर, यानी कि जब आप फाइनल सबमिशन कर दोगे, यानी कि आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को अगर फाइनल सबमिशन कर दिया तो उसके बाद में चेंज नहीं कर पाओगे, तो फाइनल सबमिशन करने से पहले सभी कैंडिडेटों से मेरा निवेदन है कि एक बार अपना एप्लीकेशन फॉर्म दोबारा से कंप्लीटली देख लें कि अच्छे से भरा गया है या नहीं भरा गया है, उसके बाद में ही यहाँ पर फाइनल सबमिशन आप करें, ठीक है। इसमें यहाँ पर एज रिलैक्सेशन आपका दिया गया है, एज रिलैक्सेशन आप सेम पहले ही जैसा ही रहेगा कि SC ST के लिए आपको यहाँ पर 5 ईयर का देखने को मिलेगा, OBC के लिए आपको यहाँ पर 3 ईयर का देखने को मिलेगा, इस प्रकार से जो एज रिलैक्सेशन है वो देखने को मिल जाएगा। लास्ट डेट आपकी 22 जनवरी यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करनी है तो www.bhu.ac.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस ऑफिशियल वेबसाइट से जाके जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी वैकेंसीज के बारे में कंप्लीट जानकारी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर किसी कैंडिडेट को डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, ऐसे ही प्यार दिखाते रहें, जिससे ऐसे ही अपडेट वीडियो हम आपके पास टाइम से लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।